जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज एक जो विषय लेकर आया हूँ वो एक ऐसी युति के बारे में है, यदि वो युति हमारे जन्म लग्न में है, अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्यों का है, गुप्तांगों का है, सिक्स सेंस का है, गुप्त क्रियाओं का है आदि आदि, मृत्यु का भी भाव यह है। और इस अष्टम भाव में शनि, राहु आदि ग्रह अच्छा फल देते हैं और राहु काफी अच्छा फल देता है, अष्टम भाव में काफी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। पंचम से चतुर्थ अष्टम भाव शनि भी यहां अच्छा फल देते हैं, मतलब जिसके शनि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास में जो सिक्स सेंस होता है वो अच्छा होता है, हर बात के पीछे लॉजिक होता है, तथ्य तक जाने की कोशिश करता है। अगर शनि राहु साथ में बैठ जाए, शनि राहु की युति जो है, यदि ये दोनों एक साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक मतलब वैज्ञानिक टाइप का होता है, साइंटिस्ट की तरह होता है, उस बात की कोई भी तथ्य की तह निकालने में उसकी खोज करता रहता है कि इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। और ऐसे व्यक्ति गलती पकड़ते जरूर हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। खोजी प्रवृत्ति होती है, अष्टम भाव से अगर ये संबंध बना लेते हैं तो और भी व्यक्ति प्रखर वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। शनि राहु की युति मान लीजिए ये तो उनके लिए है जय तुला कुंभ मिथुन कन्या लग्न वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा शुभ फल देते हैं। मान लीजिए वृश्चिक लग्न हो, मेष लग्न हो, कुंभ मीन कर आदि जब लगन ये ऐसे हों तो उनके लिए इतना फायदेमंद नहीं होती। हाँ अष्टम भाव में जरूर फायदेमंद हो सकते हैं, कर्क लगन, सिंह लगन, शनि, सप्तमेश, अष्टमेश, खष्टेश भी होते हैं तो जो शनि और राहु है ये एक ऐसी युति है, राहु माया ग्रह है, शनि रात्रि में प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, वहीं राहु भी रात्रि में मजबूत होता है, दोनों एक साथ अगर ये बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी है वो फील हो जाती है, भूत प्रेत आत्मा नजर आती है, जितना प्रबल इनका गहरा संबंध होता है शनि राहु का। अब जो डरते हैं, डरने वाला जो भाव है वो अलग होता है। अष्टमेश की दृष्टि यदि लग्न पर हो तो व्यक्ति डरता है, राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि अष्टमेश के रूप में अगर ये दोनों हैं और लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति डरता है। यदि लग्नेश और लग्न दोनों पीड़ित हों और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अमावस्या तक का जन्म हो
राहु केतु नीच के ग्रह हों तो व्यक्ति डरता बहुत है, बहुत ज्यादा डरेगा। यदि ज्यादा डरेगा और शनि राहु की युति भी है तो ऐसे व्यक्ति चपेट में भी आ सकते हैं नेगेटिव एनर्जी के। इससे बचने का, हाँ कुछ व्यक्तियों को दिखाई भी देते हैं फिर भी वो डरते नहीं हैं, उनका लग्न मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होगा, मंगल मजबूत होगा, तो ऐसे व्यक्ति देख भी लेंगे तो भी डरते नहीं के बराबर है या कम डरते हैं। तो देखिएगा आपके किसी के जन्मांक में हो तो अवश्य जांच करवाइएगा ऐसी युति की, क्योंकि अगर आप डरते नहीं हैं तो ठीक है, अगर आप डरेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि आप आत्मबल बना के रखिए, डरिए मत, क्योंकि अगर मन और आत्मा अगर मजबूत है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे में आपके जो कुल देवी देवता या इष्ट देवी इष्ट देवता हैं उनको आप मजबूत रखिए, हनुमान चालीसा किसी भी देवी देवता का पाठ अवश्य करिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। जब भी आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस हो गायत्री मंत्र का मानसिक जाप आप कर सकते हैं, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। शनि राहु की युति के बारे में मैंने बताया, यह युति होती है जो खोजी प्रवृत्ति के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को भी दिखा देती है, ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं। तो आपके जिस किसी के भी यह युति हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं जो महसूस करता हो, देखते हैं कैसा उनका जन्मांक होता है। ऐसे व्यक्ति परफ्यूम, मीठा, सफ़ेद कलर की जो भी चीज़ें हैं उनको कम यूज करें। फिर मिलेंगे नए विषय वस्तु के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।